वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन. टुडे वी विल टॉक सेकंड मेथड फ्रॉम एल्केन. यस्टरडे वी वर स्टडिंग अबाउट फ्रॉम एल्कोहल, द फर्स्ट मेथड PCl3 एंड सेकंड मेथड PCl5 एंड थर्ड मेथड थायोनिल क्लोराइड. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्केन. व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव्स अ एल्किल हैलाइड, वी कैन से एल्किल क्लोराइड and removal of the HCl. We know that जो कार्बन होता है वो कितने हैंडेड होता है, 400. The reaction we will see by the trick. Only trick, the complete reaction mechanism अपनों ने पढ़े हैं अपने 11th क्लास में. First of all, chlorine in the presence of the sunlight decompose by homolytic bond breaking, removal of free radical. Free radical, radical react with the radical, chlorine react with the methyl. ये only trick है. Complete reaction सपनों ने mechanism पढ़ी थी, याद होगा तुम्हें, सब्सिट्यूशन रिएक्शन 11th क्लास. ओके, तो यहां से ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा. वी नो दैट द फ्री रेडिकल लाइक एस वायरस, वी नो दैट आयरन किल्स आयरन, ऐसी फ्री रेडिकल को किल कौन करता है, फ्री रेडिकल. ये अपनों ने मैकेनिज्म में पढ़ा था 11th क्लास में, लास्ट में जाके अपनों ने किया था. नेक्स्ट है थर्ड मेथड फ्रॉम एल्किन. वी नो दैट जो एल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ द हैलोजन एसिड एंड वी नो दैट इस वाले डबल बॉन्ड पे जो कार्बन एटम्स है, इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, दोनों के हाइड्रोजन एटम इक्वल है. अब यहाँ पे जो H है, इधर भी जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने, इधर भी ऐड कर सकते हैं, X भी, या भी इधर ऐड कर दो या इधर. अगर अपने दोनों प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो सेम बनेंगे, तो यहाँ पे किधर ही ऐड कर दो, X को इधर ऐड कर दो या इधर, H को इधर ऐड कर दो या इधर, सेम कंपाउंड बनेंगे. किधर ही ऐड कर दो, H प्लस एंड X क्या जाएगा, माइनस. और अपनों ने पढ़ा था 11th में कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. टू गिव्स अ CH3 CH2 देन X. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दोनों तरफ इक्वल हाइड्रोजन नंबर है. इस वाले डबल बॉन्ड पे देखो हाइड्रोजन 2 और इधर की तरफ कितने हैं, 2. अगर मैं यहाँ पे एसमेट्रिक एल्किन लूँ, ये होता है सिमेट्रिक. व्हाट इज द सिमेट्रिक एंड एसमेट्रिक एल्किन? सिमेट्रिक एल्किन कहने का मतलब है, मान लो सपोज दैट मैं डबल बॉन्ड हूँ, डबल बॉन्ड के इधर की साइड में भी एक कार्बन, इधर की साइड में भी एक कार्बन, मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक एल्किन. इधर की तरफ 2 और इधर की तरफ 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक एल्किन. तो यहाँ पे सिमेट्रिक लेंगे ना, तो सिमेट्रिक में एक खास बात होती है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन इक्विल रहते हैं. अगर यहाँ पे एसिमेट्रिक लो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट मेंबर इसका एसिमेट्रिक का CH3 CH डबल बॉन्ड
इधर आ जाएगा सी एच टू रिएक्ट विद द एच एक्स टू गिव्स. अब यहाँ पे टू गिव्स कैसे करें, टू प्रोडक्ट इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पॉसिबल टू टू प्रोडक्ट. अगर मैं यहाँ पे एच को इधर ऐड करूँ, एक्स को इधर ऐड करूँ तो डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर एक्स को इधर करूँ एच को करूँ तो डिफरेंट. तो इसका मतलब मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेन प्रोडक्ट होगा इफ द एक्स अटैच्ड विद द लोअर नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन, और एच किधर अटैच होगा, हायर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन. तो क्या आ जाएगा अपने पास प्रोडक्ट, सी एच थ्री देन सी एच एंड एक्स देन सी एच थ्री. एक्सप्लेन किसने किया था इस रिएक्शन को, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ. अब मार्कोनिकोफ रूल्स को रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से बताता हूं. देखो वहन एल्कीन, या आप इसमें बोल सकते हो एनसिमेट्रिकल एल्कीन, वहन एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन एड्स टू डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एल्कीन्स दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. एनी प्रॉब्लम, आई एम स्पीकिंग अगेन, वहन एसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड, इसकी जगह आप हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हो, रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड द हाइड्रोजन एड्स टू डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एल्कीन that has higher number of hydrogen atoms. Any problems? 2 gives a CH3CHX. इसको अपने ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं. वी नो दैट, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मीन्स होता है प्लस, और प्लस का मीन्स क्या होता है मैथमेटिक्स में, प्लस का मतलब होता है मोर देन, x का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, मैथ में माइनस का मतलब क्या होता है लोवेस्ट. तो माइनस किससे अटैच होगा, लोवेस्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन, और प्लस किधर ऐड होगा, द कार्बन ऑफ एल्कीन हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. इट्स कॉल्ड मार्कोनिकोफ रूल. ये अपने क्लियर इसका मैकेनिज्म और इसकी डेफिनेशन अपने स्टडी कर चुके हैं किसमें, 11th क्लास में. नेक्स्ट अपने आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल. एसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद द एंटी मार्कोनिकोफ रूल में, अगर ये रूल जब अपोजिट हुआ था वो ओनली हुआ था एच बी आर की प्रेजेंस में, तो अपने ओनली इसमें क्या आ जाएगा, ओनली फॉर एच बी आर, रिएक्ट विद द एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. टू गिव्स है, अब अपोजिट होगा इसके जस्ट, उसमें देखो मार्कोनिकोफ रूल में हाइड्रोजन किधर अटैच हुआ था, हाइड्रोजन हाइएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे किधर अटैच होगा, लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो किधर आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और ब्रोमीन किधर आ जाएगा इधर, क्या बन जाएगा अपने पास, सी एच थ्री नेक्स्ट सी एच टू नेक्स्ट सी एच टू बी आर. वट इज द यूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स, वन ब्रोमो प्रोपेन, यू कैन सी ब्रोमो प्रोपेन,
Next, we will see about RBSC board questions in the reactions. हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे जो इस रिएक्शन से आया है वो. मैंने तुम्हें बताया था एवरी टॉपिक्स में एवरी क्वेश्चन अपने पुटअप करेंगे. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ देख लिए दोनों, मार्कोनिक ऑफ रूल में एच किधर अटैच होगा? हाईएस्ट नंबर. आपको रूल वगैरह रटा नहीं लगाना, आपके बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है रूल्स वगैरह. आपकी रिएक्शन आएगी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 react with the HI. Question है भैया, हाँ भी. Next question mark. Next question आएगा. Next question में R आया था यहाँ पे, CH3 नहीं आया था. CH double bond इधर की तरफ आ जाएगा, CH2 plus में आ जाएगा HBr और ऊपर लिखा हुआ था peroxide. This question was came in 2015 in RBSC. And this question was came in 2018 RBSC. हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पेरोक्साइड. रूल कौन सा यूज करेंगे अपने? रूल कौन सा यूज करेंगे? रूल यूज करेंगे अपने मार्कोनिक ऑफ रूल. क्या बनेगा बताओ? हाँ भाई, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ भाई? इसका आंसर आ जाएगा CH3 CH I CH3. हाँ, नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या आ जाएगा आंसर? CH3 नहीं था यहाँ पे, R था क्वेश्चन में. RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br. हाँ भी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देख लो ध्यान से. हाँ भी, क्वेश्चन आंसर ये. हाँ, इसका नेम क्या हो जाएगा? 2-hydropropane. इसका नेम क्या हो जाएगा? हाँ भी, आर है ही नहीं यहाँ पे, अगर आर की जगह CH3 हो तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन. एनी प्रॉब्लम्स? हाँ भाई, अपने पढ़ा है फ्रोम एल्केन वहन मेथेन रिएक्ट विद द क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव्स अ एल्किल हैलाइड. एंड नेक्स्ट फ्रोम एल्किन फर्स्ट यूज मार्कोनिक ऑफ रूल. अगर सिमेट्रिक हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा अपने बन जाएगा एथिल हैलाइड. अगर इधर करो, इधर ऐड करोगे एक्स को तो भी बनेगा एथिल हैलाइड. हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एसिमेट्रिकल एल्किन. एसिमेट्रिकल एल्किन में क्या हो जाएगा? एक तरफ देखो डबल बॉन्ड के एक कार्बन है, एक तरफ दो. हाँ, एच एक्स रिएक्शन कराएंगे तो प्रॉब्लम ये है, अगर हाइड्रोजन एक्स आप अपोजिट करते हो तो दो पॉसिबल टू प्रोडक्ट. तो मेन प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपने मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसमें? हाँ भाई, ये वाला प्रोडक्ट. क्लोरीन हो तो 2-chloropropane, ब्रोमीन हो तो क्या हो जाएगा? 2-bromopropane, 2-hydropropane आई हो तो. नेक्स्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल प्रोक्साइड यूज करते हैं अपने. हाँ भी, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें देख लेना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे. कोई रूल वगैरह रट्टा नहीं लगाना, आपके सिलेबस में नहीं है मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. हाँ, क्वेश्चन ऐसे आएगा अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट हो. पेरोक्साइड आएगा तो इसका मतलब समझ लेना HBr आएगा, दोनों साथ में आएंगे. ऐसे नहीं है यहाँ पे HCl लिख देंगे. हाँ, इधर आ जाएगा HI HCl या HBr, कुछ भी आ सकता है. आंसर में अपने को क्या करना है? माइनस वाला ऐड कर देंगे अपने लोवेस्ट हाइड्रोजन की तरफ और प्लस वाला ऐड कर देंगे हाईएस्ट हाइड्रोजन नंबर.
नेक्स्ट मेथड इज, फर्स्ट मेथड किया था फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड किया था अपनों ने फ्रॉम एल्केन और थर्ड किया था फ्रॉम एल्केन. नेक्स्ट अपने करते हैं फ्रॉम प्राइमरी एमिन. फोर नंबर फ्रॉम प्राइमरी एमिन. When primary amine, what is primary amine? NH2 is amine group attached to 1 degree carbon atom is called primary amine. When primary amine react with the nitrosyl chloride, the basic formula of nitrosyl chloride is NaCl, 2 gives alkyl chloride and also gives N2 and also gives H2O. रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है सभी रिएक्शन में ट्रिक बताऊंगा. देखिए इसमें क्या ट्रिक होगी, देखो सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, RnH2R एंड इधर की तरफ लिख देंगे H और इधर की तरफ H. नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ आ जाएगा Cl. क्या बन गया, RCl. दूसरा क्या बन गया, N2 और प्लस में इधर आ जाएगा H2O. ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके नाइट्रोजन वाले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. NH2 प्लस NO रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, N2 प्लस H2O. ये ध्यान रखना थोड़ा. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया. आपको डायरेक्ट पूछेंगे, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नीट में आया था, नीट में, व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी एमिन रिएक्ट विद द टिल्डेन रिजिन. मैंने तुम्हें बताया नहीं है, बता देता हूं. द नाइट्रोसिल इज केमिकल नेम. द नाइट्रोसिल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टिल्डेन रिजेंट. द नाइट्रोसिल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टिल्डेन रिजेंट. तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी एमिन रिएक्ट विद द टिल्डेन रिजेंट. क्या होगा, गिव्स एल्किल क्लोराइड. नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया था एक क्वेश्चन, सॉरी 2018 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं. व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टिल्डेन रिजेंट. क्या हो जाएगा बेसिक फॉर्मूला, NaCl ऑल्सो गिव केमिकल नेम. केमिकल नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड. एनी वन प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है. व्हाट इज द टिल्डेन रीजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनी वन प्रॉब्लम स्पीकिंग अगेन, व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद द नाइट्रोसिल क्लोराइड टू गिव्स एल्किल क्लोराइड एंड ऑल्सो गिव्स नाइट्रोजन एंड वॉटर. चलो नीचे जगह है अपने पास, नेक्स्ट रिएक्शन इधर ही कर लेंगे. नेक्स्ट रिएक्शन है अपने हुंसडिकर रिएक्शंस. हुंसडिकर रिएक्शंस, इफ मोनो कार्बोक्सिलिक ऑफ सिल्वर साल्ट रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्यूशंस कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव्स एल्किल ब्रोमाइड एंड ऑल्सो गिव्स CO2 एंड ऑल्सो गिव्स सिल्वर ब्रोमाइड.
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नेम से ही आता है ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2018 इसमें नेम से आया था गिव केमिकल रिएक्शन, गिव हुंसडीकर केमिकल रिएक्शंस, RCOAG, मोनोकार्बोक्सिलिक ऑफ सिल्वर साल्ट रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव्स RBRs. ट्रिक बता रहा हूँ मैं, याद नहीं करनी पड़ेगी, देखो भी यहाँ पे क्या होता है, CCl4 को ब्रोमीन को फ्री रेडिकल में डिवाइड करता है. कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं है, ओनली ट्रिक से बता रहा हूँ. वैसे सी डबल बॉन्ड हो, इधर किधर आ जाएगा ओ, और इधर आ जाएगा ए जी, और इधर आ जाएगा अपने पास बी आर. तो बी आर देखो, इधर से ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और ये इसमें फ्री रेडिकल में इधर से क्या बाहर निकल गया, सी ओ टू. हाँ, इधर से कौन रिएक्शन कर लेंगे, ए जी बी आर. ये बी आर बचा हुआ किधर रिएक्शन कर लेगा, इधर. तो अपने क्या बन जाएगा, सी ओ टू आर बी आर प्लस में क्या जाएगा, ए जी बी आर. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द RBSE एग्जाम्स. एनी प्रॉब्लम, इफ द कार्बोनो कार्बोक्सिलिक ऑफ सिल्वर साल्ट इज रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्यूशन टू गिव्स अ एल्किल ब्रोमाइड and also gives us silver bromide and carbon dioxides. Trick मैंने इधर बता दी, और trick मैं बताऊंगा कल क्वेश्चन. Okay, bye. Stay home and stay safe. Okay, bye.